बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके, आज हमारा ब्लेंडर का लेक्चर नंबर 3 है और इसके अंदर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सट्रूड पढ़ लिया था, इंसर्ट पढ़ लिया था, बेवल पढ़ लिया था और हम लोगों का आइडिया हो गया कि ये कमांड्स और इनकी शॉर्टकट्स क्या होती हैं। तो आज हम लोगों ने इसके अंदर जिन चीज़ों को लेके चलना है वो हमारे पास है कि हम लोग अब थोड़ा सा मॉडलिंग की तरफ आते हैं कि चीज़ों की मॉडलिंग होती किस तरह है। तो मैंने ऑलरेडी ये एक बेसबॉल बैट है, इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। हम लोग इसको मॉडल करेंगे ये, और ये देखेंगे ये किस तरीके से ये मॉडल होता है। तो मैं यहाँ पर इसका जो एक पाथ है इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आज दोबारा एक ऐड ऑन है उसको मैं एक्टिव करूँगा। एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस में आऊँगा और प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पर लिखूँगा इमेज। इमेज आई थिंक हाँ जी, यहाँ पर है आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इमेज, आप लिख देंगे यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इमेज एज अ प्लान। ठीक है, एज अ प्लेन आपको कोई भी जो इमेज होगा वो एज अ प्लेन ही यहाँ पर आएगा। टेल्डा की आप जब प्रेस करेंगे, टेल्डा की कौन सी होती है, ये एग्जिट के नीचे जो ये वाली की है आपके पास टेल्डा की है। ठीक है, ये वाली आप जब टेल्डा की प्रेस करेंगे तो वालेकुम सलाम, अब देख लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेल्डा की पे प्रेस कर रहा हूँ। टेल्डा की प्रेस करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे फ्रंट व्यू में। 7 भी प्रेस करेंगे तब भी आप फ्रंट में आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने वो जो पाथ कॉपी किया हुआ था, मेरे पास ये पाथ है, मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने ब्लेंडर में आ रहा हूँ, मैं फाइल में जाऊँगा, इंपोर्ट में आऊँगा और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ एक्टिव अभी हमने की है, इमेज एज अ प्लान। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, तो ये मेरे पास बेसबॉल बैट पड़ा है और हम लोग क्या करेंगे, इम्पोर्ट एज अ प्लेन कर देंगे। किसका बोल रहा है ये? ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास इमेज एज अ प्लेन आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके अंदर हमारा इमेज नज़र नहीं आ रहा। हम लोग क्या करेंगे, अपने इस व्यू बार में जाएंगे और यहाँ पर शेडिंग बार में आने के बाद हम लोग ये जो मेरे पास कलर्स आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है और वर्टेक्स रैंडम्स, हम लोग यहाँ पे कर देंगे टेक्सचर। जब हम टेक्सचर पे क्लिक कर देंगे तो ये जो मेरे पास इमेज है वो एज अ टेक्सचर में आना चाहिए। आई थिंक मैंने कोई गलत बात उठा ली है। हाँ जी ठीक है, ये एज ए टेक्सचर आ गया, मैंने कोई गलत टेक्सचर उठा लिया था। ठीक है, अच्छा अब मैं टेल्डा प्रेस कर रहा हूँ और मेक श्योर कि मैं फ्रंट व्यू में ही हूँ, तो ये आपका जो प्लेन है ये साइड व्यू पे नज़र आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट और इसको हम लोग कर देंगे वाई एक्सिस में, या हम लोग जी एक्सिस में रोटेट कर देंगे और इसको हम लोग कर देंगे 90। ठीक है, और इसको रोटेट हम लोग कर देंगे आई थिंक वाई एक्सिस में। इसको इतना एक रैंडम सा एक हम लोग साइज दे देंगे कि ये बस सीधा हो जाए, और हम लोगों ने इसको रोटेट यहाँ पर कर दिया है। ओके अब आपकी जो ये टेल है ये बिल्कुल आपकी बेस के साथ होनी चाहिए, तो मैं जी और इसको मैं जी प्रेस करने के बाद हम लोग इसकी टेल को बिल्कुल बेस पे ले जाएंगे। जी और एक्स प्रेस करूँगा तो मैं इसकी टेल को तकरीबन सेंट्रलाइज कर लूँगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं अपनी आसानी के लिए हमेशा क्या करता हूँ, अपने गिज़मोज़ में से मूव का एक कर्सर है वो हमेशा ऑन रखता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ी मूवमेंट में आसानी हो। आप लोग अगर चाहें तो आप इसका रोटेट भी ऑन कर सकते हो, स्केल भी ऑन कर सकते हो, तो ये हर वक्त ये यहाँ पर ही अवेलेबल होगा, लेकिन मुझे मूव ज़्यादा सूटेबल करता है। तो ये है आपका एक रेफरेंस इमेज। क्या है ये आपका रेफरेंस इमेज? आपने क्या करना है, इस रेफरेंस इमेज को एक अलग कलेक्शन में रखना है। आप क्या करेंगे, बेसबॉल में जाएंगे और एम प्रेस कर देंगे और एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे और इसका नाम है रेफरेंस इमेज, और इसको आप कर देंगे 1 और इसको कर देंगे ओके। अब आपकी कलेक्शन के अंदर एक रेफरेंस इमेज आ गया। अब हमने जिस मॉडल जिस
में हमने मॉडल बनाना है वो एक अलग कलेक्शन में होगा। तो हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और जिस चीज़ से हमने आज मॉडलिंग स्टार्ट करनी है उसका नाम है सर्कल। सर्कल हमारे पास यहाँ पर 32 साइज स्केल का आ रहा है, हम इसको कर देंगे 16। और यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है इसको हम लोग अपनी रैंडमली इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एज अ गेम ऑब्जेक्ट लेने या एज अ ग्रुप लेने आप। अब इस सर्कल को क्लिक करेंगे और एम प्रेस कर देंगे और इसका हम लोग नाम रख देंगे बेस बॉल बैट मॉडल, ठीक है। ये अलग कलेक्शन में आ गया और ये अलग कलेक्शन में आ गया। अब आप ये चाहते हैं कि जब आप इस बेस बॉल को ऊपर क्लिक करें तो ये क्लिक ना हो, क्योंकि एक्सीडेंटली क्लिक भी हो जाता है, और ये आप चाहते हैं कि अगर इसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है तो आप कितनी दफ़ा इसको कंट्रोल ये कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कलेक्शन के ऊपर आएंगे और ये आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा फिल्टर, फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नज़र आ रहा है सिलेक्शन, सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन की भी एक बार आ जाएगी, यानी कि अगर आप इसको हाइड करेंगे लेयर को तो ये हाइड हो जाएगी, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रेंडर भी डिसेबल हो जाएगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये लॉक हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप आएंगे सर्कल पे और इसको आप कर देंगे टैब, और टैब में आके आप आएंगे एज मोड में और इसके बाद इसको आप करेंगे स्केल, स्केल डाउन हो गया। अब हम वापस टेल्डा प्रेस कर रहा हूँ और मैं फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं इसको टॉप टू बॉटम शुरू कर दूँ या बॉटम टू टॉप, इट्स डिपेंड टू मी के मैं क्या करता हूँ। तो मैं इसको बॉटम टू टॉप ही, बल्कि टॉप टू बॉटम स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इसको स्केल कर देते हैं और हम लोग किसी एक लाइन को रेफरेंस बना लेंगे यहाँ पर, एस से स्केल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, अभी ये जो है मेरा एक्सट्रूड डाउनवर्ड, ठीक है, और एक्सट्रूड करने के बाद मैं जी प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा जी लॉक हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं और मैं स्केल कर रहा हूँ। अब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये मेरा जो स्केल है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसका एक्सरे विजन ऑन कर देंगे। तो ये एक्सरे विजन की ये मेरे पास की है, या मैं ऑल्ट जी प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा एक्सरे विजन यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको हल्का हल्का अपना ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा बैक साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। ये मेरे पास है एक्सट्रूड जी और ये मेरे पास एरिया है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ एक्सट्रूड जी, और इसके बाद मैं इस जगह पर आ जाता हूँ, इसको मैं स्केल डाउन कर लेता हूँ एक्सट्रूड जी, और यहाँ पर ला के मैं इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको इतना स्केल डाउन कर लिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा इमेज गलती से टेढ़ा कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज को आके हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे ऐसे, इसकी सिलेक्शन वापस बंद कर देंगे, वापस हम बैट बेसबॉल बैट पे आ रहे हैं और टैब प्रेस करके हम एज मोड में चले जाएंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सट्रूड आउटवर्ड करना है, एक्सट्रूड और एस प्रेस कर दूंगा तो ये बाहर की तरफ आपका स्केल हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रूड और जी प्रेस करूंगा ये नीचे की तरफ स्केल हो जाएगा आपका, एक्सट्रूड एंड देन दोबारा एस प्रेस करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा स्केल करूंगा और ये जो जगह है मैं अपनी यहाँ पर, ये मैंने कॉमा प्रेस किया तो मेरा सिलेक्शन जूम सिलेक्शन हो गई है, तो ये मेरे पास इतनी जगह आ गई और ये मुझे रिक्वायर्ड है कि मुझे चाहिए अभी। ओके, ये हमारा बॉटम का हिस्सा बन गया। अब हम लोग अब एरिया बनाएंगे, तो हम लोग ऑल प्रेस कर रहे हैं और ऊपर का अगर आप एक सेगमेंट को क्लिक करोगे तो ये सारा लूप सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास, एक्सट्रूड जी और इसके बाद हम लोग इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं और इसके बाद एक्सट्रूड और एस, इसको हम इनवर्ट स्केल कर रहे हैं जो कि अभी हम लोगों ने किया है। अच्छा, ये थोड़ा सा हम लोग अपर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैं जी प्रेस करूँगा फिर मैं आऊँगा वायर फ्रेम में, वाई फ्रेम में आने के बाद आपने टैप प्रेस करना है और आना आपने वर्टेक्स पे कमिंग। जब आप वर्टेक्स पे आ जाओगे तो आप अपर के सारे वर्टेक्स को आप सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा जी प्रेस करोगे या सॉलिड व्यू में जाओगे, चेक करोगे आपका रेफरेंस कहाँ तक और आप इसको टॉप तक मिला दोगे, क्लियर हो गई ये चीज़। अच्छा, मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा एज व्यू में आ रहा हूँ और अब हम लोगों ने इसके
कॉर्नर्स को स्मूथ करना है, क्या करना है हमने, स्मूथ। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल प्रेस करूंगा, पहले मैंने बाहर क्लिक किया, मेरी सिलेक्शन खत्म हो जाए, मैंने ऑल प्रेस किया और एक सेगमेंट को मैंने सिलेक्ट किया और एक एज को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास पूरा लूप सिलेक्ट हो गया। हम लोगों ने लास्ट एक कमांड पढ़ी थी बेवल, हाँ वेरी गुड, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और मैं अपने कर्सर को बाहर की तरफ लेके जाऊंगा और जब मैं अपना कर्सर, ये जो मेरा स्क्रोल है, इसको अपर करूंगा तो इसके अंदर सेगमेंट्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे और ये मेरे पास अपर का एरिया बेवल हो गया। ओके नाउ डाउन एरिया मैं क्या करूंगा, दोबारा बाहर क्लिक करूंगा, पहले सिलेक्शन खत्म करूंगा, ऑल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करूंगा, दोबारा ऑल प्रेस करके उसको सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर वाली सिलेक्शन मेरी खत्म हो जाती है। हम लोग क्या करेंगे, ऑल प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर रहे हैं बाहर के, यानी कि इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल प्रेस करके, और जब मैं शिफ्ट और ऑल प्रेस करूंगा तो दोनों आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा कंट्रोल बी, और कंट्रोल बी करने के बाद हम लोग इसको बेवल कर लेंगे। मैं थोड़ा सा उसको लो बोली कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास बेवल आ गया और ये एक हमारे पास बेसबॉल बैट रेडी है। अब हमने इनके जो कॉर्नर्स हैं, ये जो मेरे पास आपको नज़र आ रहे हैं, इनके जो ओपन होल हैं, इनको हम लोग फिल करेंगे। वो इस तरह फिल करेंगे कि मैं टैब प्रेस करके एच पे जाऊँगा और ऑल प्रेस करके मैंने इनके पूरे एच को सिलेक्ट कर लिया, एम प्रेस करूँगा और इसको कर दूंगा एट सेंटर, एम फॉर मर्ज, एम फॉर मर्ज। वो भी कर सकते हैं लेकिन इस वक्त मैंने मर्ज भी सिखानी है कमांड, एम फॉर मर्ज और एट सेंटर, ठीक है। और आपको वो एक फाइनल जो चीज़ है, ये एक बेसबॉल बहुत स्मूथ है और ये मेरे पास इसके पॉलीगॉन्स नज़र आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली राइट क्लिक करेंगे अपने इस बेसबॉल बैट पे और इसको कर देंगे शेड स्मूथ, और ये मेरे पास एक स्मूथ बेसबॉल बैट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आपका फर्स्ट मॉडल है, इसको आप कंट्रोल एस करके सेव कर लें, ठीक है, अपनी एक रिक्वायर्ड जगह पर। और आप लोगों ने क्या करना है, अपने यहाँ पर पी सी पे किस तरीके से सेव करना है, आपके पास एक डी ड्राइव होगी, ठीक है, फर्स्ट करें मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ, या आपके पास एक डी ड्राइव है और आपने क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है ब्लेंडर 9 to 10 का, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास होगा एक ब्लेंडर 9 to 10 क्लास, इसके अंदर आपने अपना नाम लिखना है फोल्डर का, फोल्डर का नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 को सेव करना है, साथ में इसका रेफरेंस इमेज होगा, ये मैं आपको अभी सेव सेंड कर देता हूँ।